अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़े मैथ्स ऑफ क्लास 8 चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.5। ठीक है, टॉपिक हमारा है फैक्टराइजेशन। प्रीवियस एक्सरसाइजेस में हमने फैक्टराइजेशन की डिफरेंट टाइप्स को स्टडी किया था, ठीक है, और उनसे रिलेटेड उसको यूज़ करते हुए उस टाइप को हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज जो हम टाइप पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो आज इस एक्सरसाइज में यूज़ होगी, वो हमारे पास है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको लेक्चर फर्स्ट लेक्चर में जब एक्सरसाइज 6.1 हमने पढ़ी थी, ठीक है, उसमें मैंने आपको बेसिक थ्री अलजेब्राइक जो है वो फार्मूलाज पढ़ाए थे। एक हमारे पास था ए प्लस बी होल स्केयर इक्वल्स टू ए स्केयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्केयर। सेकेंड हमारे पास था ए माइनस बी होल स्केयर इक्वल्स टू ए स्केयर माइनस टू ए बी प्लस बी स्केयर। और जो थर्ड था वो हमारे पास था ए स्केयर माइनस बी स्केयर विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आज इसी टाइप को हमने यूज़ करना है, ठीक है। अब आप देखें, जब हमारे पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर होगा तो हम इसको लिख सकते हैं ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, जब इस तरह हमारे पास क्वेश्चन गिवन होगा तो हम उसको फर्दर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर एक एग्जांपल है, मैं आपको उससे समझाती हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि आपको अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में गिवन हो तो आपने इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, आप जैसे सपोज कर लें, हमारे पास एक एग्जाम्पल है 25x² - 64। ठीक है, अब एक एक्सप्रेशन होगी, उसमें दो टर्म्स आपको गिवन होंगी, ठीक है, क्योंकि हमें स्केयर माइनस बी स्केयर बनाना है। तो अब आप देखिए, 25 हमारे पास किसका स्क्वायर होता है, 5 का। तो मैं लिख सकती हूँ, अब साथ हमारे पास जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है x, उसकी पावर क्या है, 2 है, मीन्स x स्क्वायर है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 5x होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखें, माइनस एज इट इज़ 64 हमारे पास किसका स्क्वायर होता है, 8 का। मैं इसको लिख सकती हूँ 8 होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखें, ये बन गया हमारे पास उस फॉर्म में ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ठीक है, जब हमारे पास इस फॉर्म में बन जाए ए स्केयर माइनस बी स्केयर, इसको हम फर्दर किस तरह लिखते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 5x प्लस 8 इंटू 5x माइनस 8। ठीक है, अब आप देखिए, इस तरह से हमने इस टाइप को यूज़ करना है, और एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं हमने उनको सॉल्व करना है। बहुत ईजी है, बस आपको समझने की ज़रूरत है कि क्वेश्चन हमारे पास किस टाइप का होगा। अगर वो, हाँ, ये भी बात का ध्यान रखना है कि अगर वो किसी का स्क्वायर नहीं बन रहा, आप जैसे यहाँ पे 25 था, ये 5 को स्क्वायर बन रहा है, 64 है, 8 को स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, अगर कोई ऐसा नंबर आ जाता है जो किसी को स्क्वायर ना हो, तो आप वो उस पूरी एक्सप्रेशन में से नंबर जो है वो कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, अब आप देखें, हमारे पास है एक्सरसाइज स्टार्ट होगी है। ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन 6.5 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, कहता है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब हमने ये जो नीचे एक्सप्रेशंस दी गई, इनको हमने फैक्टराइज करना है। ठीक है, उसी टाइप को हमने यूज़ करना है ए स्केयर माइनस बी स्केयर को। अब आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है 9 - x². ठीक है, 9 - x² है, तो 9 हमारे पास किसका स्क्वायर होता है, 3 का। मैं इसको लिख सकती हूँ 3 होल स्केयर माइनस एक्स को लिख सकती हूँ एक्स होल स्केयर। ठीक है, आप देखें, ये बन गया ए स्केयर माइनस बी स्केयर। जब ए स्केयर माइनस बी स्केयर हो तो हम उसको फर्दर लिखते थे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पर आप कंसिडर कर लें, ए हमारे पास 3 है और बी क्या है, एक्स है। ठीक है, तो अब ये क्या बनेगा, 3 + x - 3 - x। अब आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है -6 + 6y² ठीक है, आप देखिए, मैंने 6 को पूरे एक्सप्रेशन में से कॉमन ले लिया, 6 कॉमन ले, अंदर क्या बच गया, -1 + y², इसको मैंने नेक्स्ट स्टेप में अरेंज कर लिया, y के साथ प्लस का साइन था इसलिए मैंने इसको फर्स्ट लिख लिया y² - 1 6 एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप आप देखें, 6, अब y को मैंने लिख लिया y होल स्केयर माइनस, अब देखिए 1 को मैंने लिख लिया 1 होल स्केयर, 1 का स्केयर लें, अगेन क्या आता है, 1 ही आता है। ठीक है, इक्वल्स जो आप नीचे देखें, आप हमारे पास क्या बनेगा, अब ये बन गया ए स्केयर माइनस बी स्केयर। हम इसको फर्दर लिख सकते हैं 6 एज इट इज़ रहेगा, y + 1 - y - 1। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 देखें हमारे पास है, अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 16x² - 25a² b². ठीक है, आप देखिए 16 हमारे पास किसका स्क्वायर होता है, 4 का। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 4xy² - 25 हमारे पास किसका स्क्वायर होता है, 5 का। साथ क्या है, a² b² तो इसको मैं लिख सकती हूँ 5ab² अब ये बन गया a² - b², जिसको फर्दर हम लिख सकते हैं 4xy + 5ab - 4xy - 5ab। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए हमारे पास है x³y - xy³। आप देखें हमारे पास यहाँ पे x की भी डिफरेंट जो है वो पावर्स हैं, और y की भी क्या है, डिफरेंट पावर्स हैं। इस वजह से मैंने क्या किया, इस पूरे एक्सप्रेशन में से जो है वो मैंने आपको बताया था, जब भी हम कॉमन लेते हैं तो पूरे एक्सप्रेशन में से ऐसा फैक्टर या टर्म कॉमन लेते हैं
जो क्या हो स्मॉलेस्ट हो, ठीक है, या ऐसा वेरिएबल लेते हैं जिसकी पावर क्या हो स्मॉलेस्ट हो। अब आप देखें यहाँ पे फर्स्ट, अगर आप देखें फर्स्ट टर्म एक्स क्यूब वाई, तो x की पावर 3 है और y की पावर क्या है 1 है, ठीक है, तो हम क्या y यहाँ से कॉमन, अब देखें x की अगर बात करें, सॉरी x क्यूब है, नेक्स्ट टर्म में देखें x है, ठीक है, तो इसका मतलब x की स्मॉलेस्ट पावर हमने कॉमन ले ली है, तो x पावर 1 मैंने कॉमन ले लिया पूरे एक्सप्रेशन में से। अब y देखें यहाँ फर्स्ट टर्म में देखें y पावर क्या है 1 है और यहाँ पे क्या है y क्यूब है, ठीक है, तो मैंने y पावर 1 कॉमन ले लिया, यहाँ पे x y कॉमन ले लिया पूरे एक्सप्रेशन में से, अंदर क्या बच गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक। आप देखें एक्स वाई इंटू, अब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको फर्दर लिख सकती हूँ एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखें 16 ए स्क्वायर माइनस 400 बी स्क्वायर, ठीक है, अब इस पूरे एक्सप्रेशन में से मैंने 16 को कॉमन लिया, अंदर आ गया ए स्क्वायर माइनस 25 बी स्क्वायर, 16 एज इट इज़ ए को ए स्क्वायर को लिख सकती हूँ ए होल स्क्वायर माइनस, अब देखिए 25 हमारे पास 5 का स्क्वायर होता है इसलिए मैं लिख सकती हूँ 5 बी होल स्क्वायर, अब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको फर्दर लिख सकते हैं 16 इंटू ए प्लस 5 बी इंटू ए माइनस 5 बी, मीन्स एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 देखें ए स्क्वायर बी क्यूब माइनस 64 ए स्क्वायर बी, अब यहाँ पे भी देखें जो ए और बी इनकी डिफरेंट पावर्स हैं, तो सबसे पहले अब हम देखते हैं ए, यहाँ पे देखें ए स्क्वायर है, सेकेंड टर्म में भी ए स्क्वायर है, ठीक है, मैंने ए स्क्वायर को क्या ले लिया कॉमन, अब बी क्यूब है और यहाँ पे बी की पावर 1 है, स्मॉलेस्ट हमने लेनी है तो बी की पावर 1 भी कॉमन ले ली, मीन्स ए स्क्वायर बी हमने पूरे एक्सप्रेशन में से कॉमन ले लिया। अब इधर देखें ए स्क्वायर बी कॉमन लिया, यहाँ पे ए स्क्वायर अंदर बाहर चला गया, अब देखें बी की पावर 3 थी, बी की एक पावर कॉमन ले ली, तो अंदर बी की कितनी पावर बचेगी, बी की पावर 2 माइनस, यहाँ पे अब आप देखिए 64 के साथ ए स्क्वायर बी था वो हमने कॉमन ले लिया, पीछे क्या रह जाएगा 64। नेक्स्ट स्टेप में देखें ए स्क्वायर बी एज इट इज़, बी को मैंने बी स्क्वायर को लिख लिया, बी होल स्क्वायर माइनस 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, 8 होल स्क्वायर, अब आप देखें ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको फर्दर लिख सकते हैं अब ए स्क्वायर बी एज इट इज़, इसको लिख लिया मैंने पी प्लस 8 इंटू बी माइनस 8। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है 7xy² - 343x, ठीक है, अब आप देखें फर्स्ट देखें अगर 7 हमारे पास है तो 7 को मैं किसी ऐसे नंबर के स्क्वायर में नहीं लिख सकती, ठीक है, कि कोई ऐसा नंबर लूँ जिसका मैं स्क्वायर लूँ वो 7 आए, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास 7 एक ऐसा फैक्टर है, आप देखें इसको मैं क्या करती हूँ पूरे एक्सप्रेशन में से मैंने कॉमन ले लिया। अब नेक्स्ट देखें, अब यहाँ पे भी x है, x की पावर 1 है और यहाँ पे भी क्या है x की पावर 1 है, इसलिए मैंने x को भी क्या ले लिया कॉमन, 7x को पूरे एक्सप्रेशन में से कॉमन लिया, अंदर क्या बच गया वाई स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे देखें ना 7x कॉमन लिया वाई स्क्वायर रह गया, माइनस 7 को 49 के साथ मल्टीप्लाई करने 343 आ जाता है, तो यहाँ क्या बच गया 49। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें 7x इंटू वाई होल स्क्वायर लिख लिया, अब 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, 7 होल स्क्वायर, ठीक है, आप देखें ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की टाइप में हो गया हमारे पास कन्वर्ट, जिसको मैं फर्दर लिख सकती हूँ ए, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो हम उसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सो मैंने इसको लिख लिया 7x एज इट इज़, वाई प्लस 7 इंटू वाई माइनस 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखें 5xu - 45x, ठीक है, अब यहाँ पे देखें बिल्कुल उस क्वेश्चन की तरह 7 की तरह यहाँ पे भी 5 है, तो मैं 5 को इस तरह नहीं लिख सकती कि कोई नंबर लूँ उसका स्क्वायर लूँ तो मेरे पास 5 आए, ठीक है, तो मैंने क्या लिया 5 को मैंने पूरे एक्सप्रेशन में से कॉमन ले लिया, क्योंकि ये देखें 5 के टेबल पे भी जा रहा है, 5 1s are 5 और 5 9s are 45, हैंस 5 को मैंने क्या लिया कॉमन। अब यहाँ पे देखिए x की पावर 3 है, यहाँ पे x की पावर क्या है 1 है, तो x की पावर 1 भी मैंने क्या ले ली कॉमन। अब देखें यहाँ से 5x कॉमन के अंदर x की कितनी पावर रह जाएगी 2, माइनस 5 को 9 से मल्टीप्लाई करें 45x हमने कॉमन लिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जस्ट क्या आएगा 9। नेक्स्ट आप देखें 5x, अब x को लिख सकती हूँ x होल स्क्वायर माइनस 9 को मैं लिख सकती हूँ 3 होल स्क्वायर, ठीक है, 5x अब ये बन गया है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकती हूँ x प्लस 3 इंटू x माइनस 3। क्वेश्चन नंबर 9 देखें 11 इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 99 सी स्क्वायर, अब देखें यहाँ पे 11 है बिल्कुल 7 5, जिस तरह हमने वो क्वेश्चन देखे किए उसमें 7 था एक में 5 था, इसलिए कॉमन लेने पड़े। अब यहाँ पे 11 है तो मैं क्या करती हूँ 11 को पूरे एक्सप्रेशन में से कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा ए प्लस बी होल स्क्वायर एज इट इज़ माइनस, अब 99 है तो अब देखिए 11 कॉमन लिया ना, 11 को 9 से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाता है 99, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 9 सी स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखें 11 इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस, अब 9 को मैं क्या लिख सकती हूँ 3 का स्क्वायर, ठीक है, तो 9 सी स्क्वायर को मैंने लिख लिया 3 सी होल स्क्वायर। अब ये देखें यहाँ पे जो ए है ना, ये ए प्लस बी पूरी टर्म ए की जगह पे है, ठीक है, और बी हमारे पास क्या है 3 सी, मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में हो गया कन्वर्ट। अब हम इसको लिख सकते हैं फर्दर 11 एज इट इज़
ए प्लस बी प्लस थ्री सी, एक दफ़ा प्लस के साथ ए प्लस बी प्लस थ्री सी, और एक दफ़ा लिखेंगे ए प्लस बी माइनस थ्री सी। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखें, हमारे पास है 75 माइनस थ्री इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखें यहाँ पे 75 है और यहाँ पे 3 है, तो अब इसको भी मैं नहीं लिख सकती कि मैं कोई ऐसा नंबर लूँ उसका स्केयर लूँ 3 आए, या कोई ऐसा नंबर जिसका स्केयर लूँ 75 आए। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, क्योंकि ये ऑड नंबर्स में आ रहे हैं ना, इनका परफेक्ट स्केयर नहीं होता हमारे पास। अब मैंने 3 को क्या लिया, कॉमन ले लिया। ठीक है, अंदर क्या रह जाएंगे, 3 को 25 से मल्टीप्लाई करें 75 आता है, 3 को मैंने कॉमन लिया, यहाँ पे रह गया 25 माइनस, अब देखिए यहाँ से 3 कॉमन लिया हुआ है तो अंदर क्या बचेगा, ए माइनस बी होल स्केयर। अब 25 को फर्दर मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 एज इट इज़ 25 को लिख सकती हूँ 5 होल स्केयर माइनस ए माइनस बी होल स्केयर एज इट इज़। अब देखें ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर की फॉर्म में आ गया, जिसको मैं लिख सकती हूँ 3 एज इट इज़ 5 प्लस ए माइनस बी, और एक दफ़ा लिखूंगी 5 माइनस ए माइनस बी। ठीक है, आप इस ब्रैकेट को ओपन भी कर लें तो कोई मसला नहीं है, सॉल्यूशन फिर भी ठीक होगा। आप नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 11, एक्स माइनस 9 ओवर 5 होल स्केयर माइनस 36 ओवर 25 वाई स्केयर। अब ये तो ऑलरेडी स्केयर में है, एक्स माइनस 9 ओवर 5 होल स्केयर एज इट इज़। अब इसको देखते हैं, 36 हमारे पास 6 को स्केयर होता है और 25 किसका होता है, 5 का, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 6 ओवर 5 वाई होल स्केयर। ठीक है, इसको ओपन करें दोबारा यही आएगा। अब देखें ए स्केयर माइनस बी स्केयर, अब ए स्केयर की टर्म पे ये पूरी है, ए स्केयर की प्लेस पे सॉरी ये पूरी टर्म है एक्स माइनस 9 ओवर 5। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ, अब एक दफ़ा प्लस के साथ लिखूंगी एक दफ़ा माइनस के साथ, तो लिखूंगी एक्स माइनस 9 ओवर 5 प्लस 6 ओवर 5 वाई, और एक दफ़ा लिखूंगी एक्स माइनस 9 ओवर 5 माइनस 6 ओवर 5 वाई। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, 16 इंटू ए प्लस बी होल स्केयर माइनस 49 इंटू ए माइनस बी होल स्केयर। अब आप देखें यहाँ पे ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और 49 भी इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं इसको लिख सकती हूँ 16 किसका स्केयर होता है 4 का, और 7 किसका सॉरी 49 किसका होता है 7 का। तो हम अगर इसको लिख लें तो इसमें कोई भी हर्ज नहीं है या कोई भी जो है वो फॉल्ट नहीं है। ठीक है, अगर 16 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं लिख सकती हूँ 4 इंटू ए प्लस बी होल स्केयर, मीन्स इसका मैंने होल अप स्केयर ले लिया। आप इसको ओपन करें ना, देखें 4 का स्केयर लें 16 आ जाएगा और a प्लस बी होल स्केयर एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब नेक्स्ट देखें, माइनस 49 इंटू ए माइनस बी होल स्केयर को मैंने लिख लिया 7 इंटू ए माइनस बी होल स्केयर। ठीक है, इसको दोबारा अगर ओपन करें 7 का स्केयर क्या आ जाएगा 49 और a माइनस बी होल स्केयर एज इट इज़। ठीक, अब हमने जब इसको इस तरह से लिख लिया है तो ये देखें 4 a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर 7 भी इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और होल स्केयर है ना, तो अंदर जो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है हम उनको कर लेते हैं, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखिए 4 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, 4 को ए से किया 4a प्लस 4b। ठीक हो गया, माइनस एज इट इज़, सॉरी यहाँ पे स्केयर भी आता है। अच्छा, अब आता है हमारे पास, अब देखें 7 को इसी तरह मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, ये बना 7 को ए से करें 7a माइनस 7b होल स्केयर एज इट इज़। अब यहाँ पे देखें, अब ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर बन की फॉर्म, ये पूरी ए स्केयर टर्म है और ये पूरी टर्म बी स्केयर है। ठीक, जिसको हम लिखते हैं एक दफ़ा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखें ए ये है ना 4a प्लस 4b, मैं प्लस के साथ लिख रही हूँ 4a प्लस 4b प्लस 7a माइनस 7b। अगर यहाँ पे आप प्लस के साथ लिख रहे हैं तो ये साइन अंदर इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो वही आएंगे जो इनके साथ हैं। ठीक है, क्योंकि देखें ना, प्लस को प्लस से करें प्लस ही आता है, प्लस को माइनस से करें प्लस इंटू माइनस माइनस। ठीक है, प्लस के साइन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट जब हम माइनस के साथ इसको लिखेंगे, अब देखें 4a प्लस 4b, अब ऐसी टर्म लिखनी है ना, तो जब माइनस के साथ लिखूंगी माइनस इंटू, अब ये माइनस अंदर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा माइनस, यहाँ पे 7 के साथ प्लस का साइन है, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाता है माइनस 7a। नेक्स्ट देखें माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस 7b। ठीक हो गया, ये समझ आ गया स्टेप। अब नेक्स्ट देखें, जो सेम वेरिएबल वाली टर्म उनको ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट जो भी हो रही है, आप देखें ये 4a और ये 7a दोनों ऐड हो रहे हैं, 4 और 7 क्या होते हैं 11 साथ है माइनस, अब देखें यहाँ पे यहाँ पे 4b और यहाँ पे क्या है 7b। अगर दो टर्म्स हों उनके साथ ऑपोजिट साइन हों, ठीक है, तो वो क्या होती हैं, सब्ट्रैक्ट होती हैं। जैसे अब यहाँ पे देखें 7 के साथ माइनस का साइन है, 4 के साथ क्या है प्लस का साइन है, मल्टीप्लाई नहीं हो रही ये नंबर। ठीक है, तो अगर इनके साथ ऑपोजिट साइन हो तो इनकी सब्ट्रैक्शन होती है हमेशा, मींस हम इनको माइनस करते हैं। ठीक है, आप देखें 7 में से 4 माइनस करें क्या आ जाएगा 3 आ गया, और साथ क्या है जी बी, तो बी तो आएगा एज इट इज़। लेकिन हमेशा ये देखना होता है, सब्ट्रैक्ट को तो कर दिया हमने, लेकिन साइन हमने देखना होता है कि हम साइन कौन सा यूज़ करते हैं, तो साइन हमेशा हमेशा वो वाला आता है जो
बड़ी टर्म के साथ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बड़ी टर्म कौन सी है, सेवन, और सेवन के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, इसलिए थ्री बी के साथ क्या साइन आएगा, माइनस का, ठीक है। इनटू ये टर्म हमने सॉल्व कर लिया, अब इसकी तरफ आते हैं जी। अब ये देखिए फोर ए माइनस सेवन बी, सेम वेरिएबल्स वाली टर्म को ज़रा करें तो अब देखिए यहाँ पे फोर और यहाँ पे क्या है, सेवन है, सेवन के साथ माइनस का साइन है, फोर के साथ प्लस का है, तो इसका मतलब एक के साथ प्लस एक के साथ माइनस, ऑपोजिट साइंस हैं, तो ये क्या होगी, सब्ट्रैक्शन होगी, मीन्स ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। अब सेवन में से फोर सब्ट्रैक्ट कर दें, थ्री आता है, सात क्या है जी, ए है, तो ए आएगा। अब देखें वही बात, साइन किसका आएगा जो बड़ी टर्म के साथ है, तो सेवन बड़ी टर्म है उसके साथ माइनस का साइन है, तो थ्री ए के साथ कौन सा साइन आ गया, माइनस का, ठीक। नेक्स्ट अब आप देखें फोर बी के साथ भी प्लस का साइन है और सेवन बी, ये सेम टर्म्स है तो ऐड हो रही हैं, अब दोनों के साथ प्लस है ना, दोनों ऐड होंगी और साइन भी प्लस का ही आएगा, ठीक है। अगर ऑपोजिट साइन हो तो फिर हम देखते हैं जो बड़ी टर्म के साथ साइन होता है वो यूज़ करते हैं, लेकिन अगर सेम साइन हो, अब जैसे प्लस प्लस का है तो प्लस ही आएगा इलेवन बी, लेकिन अगर होता माइनस माइनस, ठीक है, अगर दोनों टर्म्स के साथ हमारे पास साइन आ जाए माइनस माइनस, जैसे यहाँ पे माइनस टू ले लेती हूँ, यहाँ पे माइनस थ्री ले लेती हूँ, मैं आपको समझाने के लिए, तो अब आप देखें माइनस टू माइनस थ्री जब दोनों टर्म्स के साथ माइनस का साइन हो तो ये टर्म्स ऐड होती हैं, ठीक। अब टू और थ्री क्या बनते हैं, फाइव, और साइन हमेशा आता है माइनस का, जब दो टर्म्स हों उनके साथ दोनों के साथ माइनस का साइन हो तो वो दोनों ऐड होती हैं, लेकिन साइन हमेशा माइनस का ही आता है, ठीक है। इसी तरह अगर सपोज करें दोनों प्लस का साइन हो दोनों के साथ, तो फिर भी आंसर प्लस में आना है, फिर साइन ज़रूरी नहीं हम लगाएं, हमें पता होता है जिस टर्म के साथ कोई साइन ना वो पॉजिटिव होती है, ठीक है। लेकिन अगर एक के साथ प्लस हो और एक के साथ माइनस हो, जैसे समझे मैं यहाँ माइनस ले लेती हूँ, यहाँ प्लस ले लेती हूँ, ठीक है, अब ये दोनों क्या होंगे, ऑपोजिट साइन है दोनों टर्म्स के साथ, एक के साथ प्लस है और एक के साथ क्या है, माइनस है। अब यहाँ पे देखें क्या होगी, सब्ट्रैक्शन होगी, ठीक है। अब थ्री में से टू निकाले, वन रह जाता है, लेकिन साइन हमेशा, फिर हम देखते हैं कि साइन अब किस टर्म का आएगा जो बड़े के साथ होता है, बड़ी टर्म के साथ, तो थ्री बड़ी टर्म है तो क्या आएगा, माइनस। समझ आ गई इन साइंस की, इस तरह आपकी एक्सरसाइज, ये मैंने अभी आज आपको क्वेश्चन करवाए हैं वन से लेके ट्वेल्व तक, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो स्टडी करेंगे।